नमस्कार, मैं सीमा तरहालकर सिटी जंक्शन न्यूज में आप सभी का स्वागत करती हूं। सबसे पहले एक नजर आज की खास खबरों पर। खास खबरों के प्रायोजक हैं गोपाल सुपर बाजार, शुद्धता गुणवत्ता और अपनेपन का एहसास, मयूर कॉलोनी मलकापुर रोड अकोला। पेश है सिमको हर्बल शैम्पू। सिमको ने 1948 से ख्याल रखा है आपके बालों का, आज भी रखते हैं और हमेशा रखेंगे। सिमको हेयर एक्सपर्ट सिंस 1948। सह प्रायोजक है हुसैन माउन, अनाज किराना ड्राई फ्रूट कटलरी क्रॉकरी कॉस्मेटिक के साथ सब कुछ एक ही छत के नीचे। हुसैन माउन आपका विश्वासी, हमारी पहचान, वाशिंग बाईपास बाबापुर रोड अकोला। पिस्तौल और जिंदा कारतूस के साथ एक की गिरफ्तारी। क्रिकेट सट्टे पर पुलिस विशेष दल का छापा, लाखों का माल जब्त। मनपा की आम सभा इस बार होगी ऑफलाइन। और बढ़ सकता है बसों का किराया। अब समाचार विस्तार से। एक युवक चार पहिया वाहन से जा रहा है और कार के ड्राइवर में गोलियों से भरी पिस्टल है, इस तरह की गुप्त जानकारी स्थानीय अपराध शाखा दल को मिली थी। जानकारी की पुष्टि के पश्चात दल ने नाकाबंदी कर संदिग्ध वाहन को रोककर तलाशी ली। जांच के दौरान कार में एक राउंड गोली से लोडेड पिस्टल दल को मिली, जिसे जांच दल ने एक आरोपी, एक पिस्टल, कार समेत 4,36,000 रुपए का माल जब्त किया। दल की शिकायत पर रामदासपेट पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया है। इस कार्रवाई में मुजफ्फरनगर लक्कड़गंज निवासी 38 वर्षीय जाहिद उर्फ राहिल खान अनिस खान को गिरफ्तार किया गया है। आगे की जांच जारी है। ये कार्रवाई जिला पुलिस अधीक्षक जी श्रीधर, अपर पुलिस अधीक्षक मोनिका राउत तथा स्थानीय अपराध शाखा पुलिस निरीक्षक संतोष महल्ले इनकी अगुवाई में पुलिस उप निरीक्षक मुकुंद देशमुख, दत्ता ढोरी, शेख हसन, रवि पालीवाल, संदीप ताली, अक्षय बोबड़ी, गीता अवचार, इन्होंने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। रामदासपेट पुलिस थाने की सीमा में आने वाले सातो चौक परिसर स्थित नवजीवन अपार्टमेंट के एक फ्लैट में विश्व T20 क्रिकेट सट्टे पर खायवाड़ी की जा रही थी। इस तरह की गुप्त जानकारी जिला पुलिस अधीक्षक जी श्रीधर द्वारा कार्यान्वित विशेष दल प्रमुख विलास पाटिल इन्हें मिली थी। इसी जानकारी के आधार पर उन्होंने अपने सहयोगियों के साथ जाल बिछाकर फ्लैट पर छापामार कार्रवाई की। इस कार्रवाई में दल ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से 2,02,100 रुपए की सामग्री जब्त की है। ये दोनों आरोपी कितने बड़े पैमाने पर सट्टा लगा रहे थे, ये अंदाजा उनके पास से जब्त किए गए सामग्री से सहज लगाया जा सकता है। इस कार्रवाई में नवजीवन अपार्टमेंट के एक फ्लैट में जस नागरा बेकरी परिसर निवासी राकेश ओम प्रकाश बाजोरिया एवं क्रीडा संकुल परिसर निवासी 20 वर्षीय करण राजेश पड़गन सट्टा खा रहे थे। इन दोनों को गिरफ्तार किया गया। महानगर पालिका की सर्वसाधारण सभा शुक्रवार 29 अक्टूबर को आयोजित की गई है, जिसमें सीमा वृद्धि के बाद शहर में शामिल हुए इलाकों में नई पाइपलाइन बिछाने, ठेका पद्धति से शहर की सफाई करने तथा छोटे गुंठेवारी के मामलों को सुलझाने के प्रस्ताव सहित अन्य विषयों पर चर्चा होगी। कोरोना संक्रमण कम होने के बाद पहली बार मनपा की ऑफलाइन सभा आयोजित किए जाने से विपक्ष के पार्षदों में खुशी का माहौल है। स्थानीय मनपा के सभागृह में सुबह 11:30 बजे मनपा की सर्वसाधारण सभा में अन्नाभाऊ साठे नागरिक दलित बस्ती निधि 2021-22 के लिए प्राप्त निधि के तहत प्रस्ताव पेश करने, नगरोत्थान निधि, वैशिष्टपूर्ण निधि एवं विशेष निधि अंतर्गत सरकार को प्रत्येकी 50 करोड़ का प्रस्ताव भेजने, 2020-21 एवं 2021-22 के लिए प्राप्त नगरोत्थान निधि, दलित बस्ती निधि, दलितर निधि, 15वें वित्त आयोग निधि एवं अन्य सरकारी निधि अंतर्गत प्रस्तावित कामों में बदलाव करने, आयुक्त द्वारा तकनीकी कारणों से रद्द किए गए कामों को नए से प्रस्तावित करने, 15वें वित्त आयोग के तहत शहर के सीमा वृद्धि वाले इलाकों में पानी की टंकी में पानी पहुंचाने एवं जलापूर्ति के वितरण के लिए नई पाइपलाइन बिछाने, नगरोत्थान निधि अंतर्गत काम करने, महाराष्ट्र गुंठेवारी विकास अधिनियम 2001 में संशोधन एवं महाराष्ट्र गुंठेवारी विकास अधिनियम के शुल्क में संशोधन संबंधित आदेश सभा में पेश करने और अमल में
लाने के लिए तथा शहर की सीमा में स्थित खुले भूखंड बगीचे व्यायामशालाएं सामाजिक सभागृह वहां के नागरिकों को एवं संस्था को रखरखाव के लिए देने सहित अन्य प्रस्तावों पर चर्चा की जाएगी। पीठासीन अधिकारी तथा महापौर अर्चना मसनी की अध्यक्षता में आयोजित इस सभा में इन सभी प्रस्ताव पर चर्चा की जाएगी। इस तरह की जानकारी नगर सचिव अनिल बिड़वे इन्होंने दी है। विगत कुछ माह से ईंधन की दरों में लगातार वृद्धि हो रही है, जिसके परिणाम आम नागरिकों को भुगतने पड़ रहे हैं। इसी बीच राज्य परिवहन निगम भी अपने टिकटों की दरों में वृद्धि करने का विचार कर रहा है। अब दीपावली पर्व का दौर भी है, ऐसे समय में किराया वृद्धि होती है तो नागरिकों को आर्थिक हानि उठानी पड़ सकती है। ईंधन दर वृद्धि की वजह से महाराष्ट्र राज्य परिवहन मंडल का नुकसान और भी बढ़ गया है। इसे उभरने के लिए राज्य परिवहन निगम 17% या उससे अधिक किराया वृद्धि का प्रस्ताव भेजने की जानकारी सूत्रों से प्राप्त हुई है। यदि ये प्रस्ताव मंजूर होता है तो जहां राज्य परिवहन निगम का टिकट दर वृद्धि का रास्ता साफ हो जाएगा, बल्कि आम नागरिकों पर आर्थिक बोझ बढ़ जाएगा। इसी के साथ दिवाली एक मुहाने पर है। इसी बीच वेतन न मिलने की वजह से राज्य परिवहन निगम कर्मचारियों ने भी 27 से ही काम बंद आंदोलन का इशारा दिया है। यदि काम बंद आंदोलन शुरू हो गया तो दर वृद्धि के झटके के बीच राज्य परिवहन निगम बंद का झटका भी नागरिकों को लग सकता है। एक प्रचलित दुपहिया वाहन का साइलेंसर बदलकर उसके जरिए शोर मचाने की घटनाएं फिर से सामने आ रही है। इसी के चलते पुलिस की शहर यातायात नियंत्रण शाखा की ओर से शनिवार को अमल में लाई गई विशेष मुहिम के दौरान उन 11 दुपहिया वाहनों की जब्ती की कार्रवाई की गई। इसके अलावा उनके मालिकों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की गई। बदले गए साइलेंसर को निकालकर उसका मूल साइलेंसर भी लगवाया गया। इससे पूर्व 12 सितंबर को भी ऐसे ही 8 वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की गई थी। दोपहिया वाहन का साइलेंसर बदलकर पटाखे फोड़ने की आवाज निकालने की फिर से घटनाएं सामने आई थी। इन घटनाओं को देखते हुए शहर यातायात नियंत्रण शाखा के पुलिस निरीक्षक विलास पाटिल की अगुवाई में शनिवार को शहर के मुख्य मार्गों के अलावा अस्पताल सहित स्कूल कॉलेज एवं ट्यूशन क्लासेस परिसर से गुजरने वाले उन दुपहिया वाहनों की जांच की गई, जिनमें 11 दुपहिया वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की गई। बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी सीए बनर्जी श्री कृष्ण जी चांडक इनकी सफलता 24/7 पुस्तक का विमोचन हाल ही में माहेश्वरी भवन में संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बुल्ढाना अर्बन को ऑपरेटिव सोसाइटी के संस्थापक अध्यक्ष श्री राधेश्याम जी चांडक, डायरेक्टर JCI इंडिया फाउंडेशन के श्री नरेंद्र जी बरडिया, साथ ही निवासी उप जिलाधिकारी प्राध्यापक श्री संजय खड़से उपस्थित थे। यूं तो रचनाकार लेखक कल्पनाओं की ऊंची उड़ान भरकर शब्द रूपी रथ के माध्यम से शिक्षा और संस्कार की एक विद्यालय स्थापित करते हैं, किंतु सफलता 24/7 ये एक ऐसा सफर है जिसमें ठहरना नहीं निरंतर आगे चलना है। ये केवल पुस्तक ही नहीं है, मनोज जी के परिश्रम की पूंजी है जो उन्होंने आत्म अवलोकन के पश्चात हमारे समक्ष प्रेक्षित की है। उन्होंने अनेक ऊर्जा से लबरेज लेख लिखे हैं, साथ ही इनके 200 से अधिक मोटिवेशनल संभाषण भी हुए हैं जो इतने सरल और सटीक होते हैं कि कानों से उतरकर जहन में घर कर लेते हैं। अपने जीवन सफर का हर किरदार बखूबी निभाते हुए सामाजिक गतिविधियों में बढ़ चढ़कर आगे रहने का जो इनका जज्बा है वो काबिले तारीफ है। मनोज जी के लेख की एक पंक्ति सदैव युवाओं का हौसला बढ़ाती है। सफलता का दीपक परिश्रम से बहे पसीने के तेल में ही प्रकाशित होता है। वर्तमान के दौर में स्पर्धा भरे युग में मंजिल तक पहुंचने के लिए ये पुस्तक निश्चित ही अपना महत्वपूर्ण योगदान देगी। सफलता 24/7 ये किताब हताश और निराश युवाओं के लिए एक एनर्जी बूस्टर है, लक्ष्य पर निशाना है, नींद की जगह ली गई उड़ान है, सपनों का आकार है। अधिक से अधिक जनता तक ये सफलता की पुरवाई पहुंचे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ सर्वत्र श्री परेश जी का अभिनंदन किया जा रहा है। मंजिल तय हो, दृढ़ निश्चय हो, बढ़ने का साहस निर्भर हो, कंठक पथ पर सुमन झरेंगे यदि निश्चल निर्मल आशय हो। इस कार्यक्रम में व्यासपीठ पर श्री राधेश्याम जी चांडक, संजय जी खड़से, नरेंद्र जी बरडिया, सीए मनोज चांडक, रमेश चंद्र जी चांडक, श्री कृष्ण जी चांडक, विकम चंद जी तापड़िया विराजमान थे। साथ ही प्रमुख रूप से उपस्थिति सर्वश्री नितिन खंडेलवाल, प्रभजीत सिंह बछेर, डॉक्टर किशोर मालोका, महेंद्र साहू, सुभाष मुंगी, अजय सिंगर, संतोष अग्रवाल, ब्रिजमोहन चितलांगी, गजानन नारे, हरीश भाई अलीम चंदानी, डॉक्टर संदीप चांडक, शांतिलाल भाला, सुरेश मुंदड़ा, विजय राठी, हरिदास भदे, आनंद बांगड़, विनीत बियानी, अरविंद सोनी, अनिल तोशनीवाल, भरत भाई शाह, डॉक्टर चंद्रकांत पनपालिया, शैलेश पारक, राम प्रसाद मिश्रा, मनोज बिसेन,
मनीषा उम्बरकर, अशोक चांडक, सुनील भंडारी उपस्थित थे। इस कार्यक्रम का संचालन शारदा बियानी इन्होंने किया। आइए देखते हैं इस कार्यक्रम के कुछ अंश। इतनी बड़ी सफलता बेटा आपने हासिल की है, इसका श्रेय यदि किसी एक व्यक्ति को जाता है तो जितना मैं जानता हूं जितना आप जानते हैं वो यहां बैठे हमारे परम आदरणीय भाई जी हैं। तो भाई जी आपका इस कार्यक्रम में आना एक परिवर्तन नजर आया। तो आपके कार्यक्रम के आप पॉजिटिविटी के साथ में तो उसको कैंडिडेट की अगर शुरुआत करते हैं तो निश्चित ही आप बोलेंगे कि भाई हमारे जीवन में कहीं तो भी बहुत बड़ा परिवर्तन आया है क्योंकि मेरे खुद के जीवन। अंत में एक नजर आज की खास खबरों पर। खास खबरों के प्रायोजक हैं गोपाल सुपर बाजार, शुद्धता गुणवत्ता और अपनेपन का एहसास, मयूर कॉलोनी मलकापुर रोड अकोला। पेश है सिमको हर्बल शैम्पू। सिमको ने 1948 से ख्याल रखा है आपके बालों का, आज भी रखते हैं और हमेशा रखेंगे। सिमको हेयर एक्सपर्ट सिंस 1948। सह प्रायोजक हैं हुसैन माउन, अनाज किराना ड्राई फ्रूट कटलरी क्रॉकरी कॉस्मेटिक के साथ सब कुछ एक ही छत के नीचे। हुसैन माउन आपका विश्वासी, हमारी पहचान, वाशिंग बाईपास बालापुर रोड अकोला। पिस्तौल और जिंदा कारतूस के साथ एक की गिरफ्तारी। क्रिकेट सट्टे पर पुलिस विशेष दल का छापा, लाखों का माल जब्त। मनपा की आम सभा इस बार होगी ऑफलाइन। और बढ़ सकता है बसों का किराया। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं नई ताजा खबरों के साथ। तब तक बने रहिए सिटी जंक्शन न्यूज के साथ। अपना चैनल, अपनी बात।